आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुप्रिया किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर अपना सहयोग दें। हमने लिए हैं 3 उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडे में अब हम हल्दी डालेंगे थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको ले उसमें डाल के उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इससे अंडे का स्वाद क्या होगा, बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए अंडा अब इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए अच्छे से तो उसमें एक एक करके अंडों को डाल के उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अंडे को फ्राई करना है हमें मीडियम फ्लेम पे। अंडे को हम इस तरीके से चीरा लगा देंगे चाकू की सहायता से। इससे क्या होगा, अंडा तेल में फटेगा नहीं और जो ग्रेवी होगी वो अंदर अंडे तक थोड़ा उसका स्वाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अंडे को हर तरफ से इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। पलट पलट के इसको अंडा देखिए तो एक साइड से फ्राई हो चुका था, हम इसको पलट करके अब दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे। फ्राइड अंडे जो है वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। करी बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अंडा जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हुआ हुआ हो। अब अंडा जो है वो फ्राई हो चुका था तो अब इसको निकाल कर हम अलग रख लेंगे। फ्राई करने के बाद अंडे का जो तेल बचा है अब इसका प्रयोग हम इसको अंडा करी बनाने में ही कर लेंगे। इसमें अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आधा छोटा चम्मच हमने जीरा डाला है। अब इसके बाद हम लहसुन की कलियाँ जो है छोटी काटी हुई थी उनको हम डाल देंगे। जब लहसुन जो है सुनहरा हल्का ब्राउन हो जाएगा तो देखिए इससे टेस्ट इसका अच्छा आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च थी उसको डाल देंगे। अब हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज को आप या तो घिस के यूज कर सकते हैं या फिर इसको मिक्सर में पीस के यूज कर सकते हैं। हमने इसको घिस लिया है तो अब हम इसको डाल के अच्छे से इसको हल्का सा जब प्याज पक जाएगा तो बाकी इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे। तो हमें इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेना है। तो देखिए लगभग प्याज हो चुका है फ्राई। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। अब इसमें आप टमाटर का प्रयोग जो है वो या तो पेस्ट के रूप में कर सकते हैं या फिर उसको बहुत महीन काट के इसको डाल देंगे। महीन काटने से क्या है, टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाएगा और जो है हमारा ये फाइन पेस्ट तैयार कर देगा। टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए इसलिए हम इसमें स्वादानुसार नमक का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो टमाटर को मिक्सी में डाल के पीस के फिर इसका प्रयोग करें, लेकिन हमने क्या किया है, मिक्सी में इसका प्रयोग नहीं किया है पीस के, तो हमने टमाटर को बारीक काट लिया था। तो आप जिस हिसाब से डालना चाहे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब टमाटर पक जाएगा तो इस तरीके से हम उसका पेस्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखिए टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है और ये एक पेस्ट के रूप में हो चुका है। तो अब हम इसमें हल्दी डालेंगे लगभग 1 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से क्या होगा, जो कलर होगा ये हमारे करी का वो बहुत ही अच्छा आएगा। मसाला जले ना है इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी का प्रयोग कर रहे हैं, इससे मसाला जलेगा नहीं। मसाले को हमें अच्छी तरीके से भूनना है क्योंकि मसाले का ही टेस्ट जो होता है वो करी को अच्छा बनाता है, इसलिए मसाला जले नहीं। इसको अच्छे से इस तरीके से मिलाते हुए हम अच्छे से इसको भून लेंगे। मसाला जब भून जाएगा तो तेल जो है वो हल्का हल्का मसाले से निकलने लगा है, तो समझ जाइएगा कि मसाला जो है अब ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मसाला पक चुका है तो इसमें हम पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। तो अपने अनुसार ये आप पानी को ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी को हम थोड़ी देर रख देंगे पकने के लिए, लगभग 2 मिनट। अंडा क्या होता है, अंडा तो ऑलरेडी पका होता है, तो अंडे को हमको हल्का सा ग्रेवी में डाल के पकाना होता है। तो इसलिए हम पहले ही ग्रेवी को क्या कर रहे हैं, अच्छे से पका ले रहे हैं। अब ग्रेवी हमारा तैयार हो चुका है, उसमें एक एक करके हम अंडों को डाल देंगे। इस तरीके से आप अगर अंडा करी बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट अंडा करी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। एक बार ज़रूर ट्राई करें।
अब हम इस अंडा करी को हम 4 से 5 मिनट तक लगभग पकाएंगे। हमें पकाना अंडे को नहीं है, हमें पकाना है ग्रेवी को, ग्रेवी को और अंडे को एक साथ में। जिससे क्या होगा, ग्रेवी जो ये नमक होगा या मसाले का टेस्ट होगा वो अंडे में थोड़ा सा भिन जाए। तो देखिए हमारी स्वादिष्ट अंडा करी जो है वो तैयार हो रही है। तो अभी लगभग आधे से ज़्यादा ये अंडा करी पक के तैयार हो चुकी है। तो हम इसको एक बार और मिक्स कर देंगे। देखने में बहुत ही स्वादिष्ट अंडा करी लग रही है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अंडा करी हो चुकी है तैयार। अब हम इसको बाउल में निकाल करके इसको हम सर्व कर सकते हैं। इसका प्रयोग इसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, चावल को, रोटी को या भी किसी भी चीज़ के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमारी डिलीशियस अंडा करी तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारी ये अंडा करी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।